हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर डेली प्रैक्टिस वर्कशीट। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने भी अपने बेटे का एडमिशन करा दिया है, वो स्कूल जाती है, तो मैं उसे डेली नहीं पढ़ा पाती हूँ। कई दिन हो गए कि मैंने उसको घर पे नहीं पढ़ाया है, जस्ट वो स्कूल से आती है और स्कूल का होमवर्क करती है, बस इतना ही। तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मैंने सोचा इस बार कुछ प्रैक्टिस करा ली जाए, तो मैंने वर्कशीट बनाई है। ये जो मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी, ये उसने 2 दिन में किए हैं, तो इनसे आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा जिससे आप अपने बच्चों के प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये वर्कशीट सिर्फ आइडिया के लिए है, मैंने उसको कई दिन से पढ़ाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ करा देती हूँ मैं उसको। तो मैंने रैंडम ऐसे जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए, मैंने वर्कशीट बना दी। मैं कोशिश करूँगी कि अगले हफ्ते से आपको हर सैटरडे संडे की प्रैक्टिस वर्कशीट आपके साथ शेयर करूँ। वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 वर्ड्स दैट स्टार्ट विद लेटर एफ। लेटर एफ से स्टार्ट होने वाले 5 वर्ड्स लिखने हैं। तो आपने अगर बच्चों को फोनिक साउंड वगैरह सिखाए हैं तो बच्चा उनसे स्पेलिंग को ब्लेंड कर लेगा। जो स्पेलिंग्स ब्लेंड नहीं होती वो मैं अपनी बेटी को बाद में सिखाती हूँ, जो भी मैं उसको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे वाइल्ड एनिमल पढ़ाया, तो जो ब्लेंड हो रहे हैं या फिर जो छोटी स्पेलिंग है मेरी बेटी याद कर लेगी, मैं पहले उनको सिखाती हूँ, उसके बाद ही जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग है ब्लेंड नहीं होती वो मैं बाद में सिखाती हूँ उसको, वो भी धीरे धीरे एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स बिगिन विद गिवन लेटर्स। सॉरी, वर्ड लिख दिया मैंने, लेटर्स। तो मैंने यहाँ पे बिगिनिंग लेटर, फर्स्ट लेटर सभी में लिखा हुआ है और बच्चे को वो वर्ड कंप्लीट करना है। ये बॉडी पार्ट्स हैं, मैंने वही दिए हैं जो अपनी बेटी को मैंने सिखा दिए हैं, वही दिए हैं, बाकी के नहीं दिए। थर्ड क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। मेरी बेटी 1 to 100 आराम से कर लेती है, तो मैंने उसको 1 to 100 के बीच में ही नंबर्स दिए हैं। अगर आप अपने बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर सिखाना चाहते हैं तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। मीनू हैज़ 3 oranges, गौरी गिव्स हर 4 more oranges, हाउ मैनी oranges डज मीनू हैज़ ड्रॉ। मैंने यहाँ पे जितने भी oranges हैं वो बच्चे को यहाँ पे मैंने ड्रॉ करने के लिए भी बोला है, उसके बाद इक्वेशन लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइन नंबर टू मेक 17, ज्वाइन ओनली 2 numbers। इसमें मैंने ग्रिड बनाया है, ये कुछ नंबर्स दिए हैं, तो बच्चे को सिर्फ 2 number यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, 2, कोई 2 number बच्चों को ऐड करने हैं जिनका आंसर 17 आए। ये ऐसा मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मेरी बेटी अब कर लेती है, स्टार्टिंग में उसको नहीं आया था ये, उसको टाइम लगा था, तो मैंने पहले 1 digit वाले दिए थे उसको, और इस बार मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है, नंबर इंक्रीज कर दिया है, तो ये अब वो कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड है, पर इसमें मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, जैसे द 8th अल्फ़ाबेट इज़, तो बच्चा लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट के उनको भूलेगा, जो 8th number पर लेटर है वो यहाँ पे लिखना है। जी इज़ द डैश अल्फ़ाबेट, तो जी कौन से ऑर्डर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है बच्चों को वो यहाँ पे लिखना है, जी इज़ द 7th alphabet। द 9th alphabet इज़ आई, जे इज़ द 10th alphabet। मैंने यहाँ 10 तक ही दिया है क्योंकि ऑर्डिनल नंबर मैंने अपनी बेटी को अभी सिर्फ 10 तक ही सिखाए हैं, आगे मैं सिखाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट है मेंटल मैथ, 3 tens and 5 ones। तो बच्चों को यह नंबर लिखना है कि ये कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है, 3 tens and 5 ones इज 35, 1 tens and 5 ones 15, हाउ मच इज 14 and 12। बच्चे को इसमें 14 + 12 करना है फिर आंसर लिखना है, 14 + 12 इज 26, वॉट इज 20 + 30। अगर आपने अपने बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाए हैं तो आप बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर दें, यही मेंटल मैथ है, बच्चा को ये क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है कि उसमें क्या पूछ रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे को बड़ी क्लासेस में
वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आते हैं, तो बच्चों को ये काफ़ी हेल्प करेगा। अभी आपने स्टार्टिंग में वन डिजिट सिखाया बच्चों को, तो आप वन डिजिट से रिलेटेड ही क्वेश्चन दें। मेरी बेटी ये डायरेक्ट कर लेती है, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो वो कर लेती है। नेक्स्ट है पिक्चर मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 4, या मैंने 4 स्टार बनाए, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 20। नेक्स्ट है डिवाइड, 15 डिवाइड बाय 3, 16 प्लस 9 इज़ 25। नेक्स्ट है एक्सपेंड द नंबर, इसमें हमें नंबर दिए हैं बच्चे को, वो एक्सपेंड करने हैं, उनको नंबर को तोड़ना है उसको दो पार्ट्स में। तो दिस इज़ 45, 40 प्लस 5 45, ये टेंस प्लेस वैल्यू के है, ये वंस प्लेस वैल्यू का, तो 45। 21 20 प्लस 1 21, 45 माइनस 17 इट्स 28, 25 प्लस 8 इज़ 32, 5 मोर देन 53 इज़, ये अगेन एडिशन का ही है, 5 मोर देन 53, 53 में 5 और ज़्यादा हो जाएंगे, 5 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मोर देन 62 इज़ 70। आप स्टार्टिंग में अपने बच्चे को छोटे छोटे नंबर ही दें, वन डिजिट वाले, और ये भी छोटा नंबर ही, पहले 1 to 5 करें, फिर 5 to 9 कर सकते हैं। 4 इज़ टेकन अवे फ्रॉम 40, अब इसमें माइनस करना है, 4 40 में से अगर हमने निकाल लिया तो कितना बचा, 10 इज़ टेकन अवे फ्रॉम 35 इज़ 25। अगेन ये मल्टीप्लिकेशन है एडिशन मेथड से, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप्स बनाए, 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो पहले बच्चे को ऑब्जेक्ट लिखना है, मल्टीप्लाई बाय ग्रुप्स इक्वल टू 3 4 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को 5 नाउन लिखने हैं, नाउन में अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, और अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो है, नाउन कैसे इंट्रोड्यूस किया है बच्चों को और उसकी वर्कशीट, तो आप चाहे तो वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरी बेटी ने लिखा है बुक, मॉम, चेयर, पेंसिल बॉक्स, बोर्ड। नेक्स्ट है हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड, इसमें मैंने कुछ लिखे हुए हैं, फूड आइटम्स लिखे हैं बच्चों को, उनको डिवाइड करना है कौन सा हेल्दी फूड है और कौन सा अनहेल्दी फूड है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, आई होप ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे होंगे, और ये क्वेश्चंस पूरे मेरी बेटी ने 2 दिन में किए हैं, तो आपके लिए अगर ये हेल्पफुल रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।